फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटिल आज आपके लिए लेकर आई हूँ कैर का चार, इसे टैटी भी बोलते हैं। ये बाजार से छाछ में भीगे हुए हैं, तो इंस्टेंटली मैं इसको बनाऊंगी। एक मेहनत मेरी कम हो जाएगी इस तरीके से। पहले छाछ में कैसे भिगो के बनाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आज मैं इंस्टेंट बनाने वाले शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमको इसकी ये डंडी तोड़नी होती है। पहले से मैंने तोड़ के रखी हुई है और ये देखिए, इस तरीके से डंडी तोड़ के अलग कर लेंगे। इस तरीके से सबको तैयार कर लेती हूँ मैं। आजकल ये आसानी से बाजार में सब्जी वाले की दुकानों पर मिल जाते हैं। इसके लिए मैं ले लूँगी इसमें ये सारे मसाले। सौंफ ले लेंगे और मेथी ले लेंगे, पीली वाली सरसों ले लेंगे, कलौंजी ले लेंगे, नमक, हींग, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। कुछ मसालों को मैं भून लेती हूँ, जैसे सौंफ और ये मेथी है, इनको मैं भून लेती हूँ। गैस पर मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल देती हूँ मैं ये मसाले। पहले मैं डाल देती हूँ इसमें ये मेथी दाना। मीडियम और सिम गैस पर इसको हमें रोस्ट करना है और बिना कुछ डाले हम इसे रोस्ट करना है। सीख गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। सौंफ को भी हल्का हल्का हम भून लेते हैं। मसालों को ठंडा होने देंगे, फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हल्का दरदरा हमें इसको पीसना है। सौंफ भी सिक गई है, इसे निकाल लेते हैं बर्तन में। और जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं और इन्हें पीस कर तैयार करेंगे, हम गैस पर रख देते हैं एक बर्तन और उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मैं ज़्यादातर अचार बनाती हूँ और इसी में इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और ये बहुत फ़ायदा भी करता है। धुआं उठने तक हम इसे गर्म करेंगे, फिर ठंडा होने के बाद हम इसे काम में लेंगे। तैयार करे हुए कैर हम डाल लेते हैं इस बर्तन में। अब इसमें डाल लेती हूँ मैं बारी बारी से सारे मसाले। ये सौंफ है, आधी साबुत रखी है मैंने, आधी को दरदरी कर लिया है। ये मेथी दाना है, इसको भी दरदरा कर लिया है और मैंने इसको भून भी लिया था। कलौंजी है इनको, और ये सरसों है, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा भून लिया था। सभी को इसमें डाल देती हूँ और डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देती हूँ और नमक डाल देती हूँ। नमक थोड़ा अच्छी मात्रा में डालना चाहिए इसमें, जिससे अचार ज़्यादा दिन तक ठहरता है। अमचूर पाउडर डाल देती हूँ और डाल देती हूँ हल्दी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अभी मसाले मिले हुए इस अचार को हम डाल देते हैं इस तेल में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल बस इतना ही चाहिए कि हमारा जो अचार है वो डूब जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया है, डाल लेते हैं एक कांच की सूखी बर्नी में। अचार को हमेशा कांच के सूखी बर्तन में ही डालना चाहिए। इसे ढककर रख देंगे और 3-4 दिन बाद ये खाने लायक होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव, आपको ये कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप उसे देखना चाहें तो ज़रूर देखें। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।